देवरिया पहुंचे सपा के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य। देवरिया जिले के उसरा बाजार में पूर्व एमएलसी राम नगीना यादव के पुण्यतिथि समारोह में शामिल होने जा रहे सुभाष चौक पर पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अगर भाजपा वाल्मीकि समुदाय की सच्ची हितैषी है तो सभी मंदिरों पर वाल्मीकि समुदाय का एक एक पुजारी रखे, इससे समाज का उत्थान होगा। अयोध्या में बने एयरपोर्ट का महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट रखा जाना स्वागत योग्य है, लेकिन सरकार को प्रदेश के सभी मंदिरों में वाल्मीकि समुदाय का एक एक पुजारी भी रखना चाहिए ताकि समाज के सबसे निचले तबके का उत्थान हो सके। ये बातें पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने कही। एक शासन स्वामी प्रसाद मौर्य को मानसिक रोगी बताते हुए पागलखाने में इलाज कराने की बात कही थी। इस सवाल पर उन्होंने कहा कि हो सकता है भाजपा शासन पागलखाने में गए हो, इसलिए इसका उनको अनुभव होगा। सनातन धर्म पर बयानबाजी के सवाल पर वह कुछ नहीं बोले। पूर्व मंत्री की इस बयान की चर्चा जहां राजनीतिक गलियारों में पूरे दिन रही, वही सोशल मीडिया पर वायरल हो रही। इस वीडियो पर राजनीतिक दलों से जुड़े लोगों की प्रतिक्रिया का दौर जारी रहा। ऑल इंडिया न्यूज 24x7 के लिए देवरिया से रवि प्रकाश की रिपोर्ट। और अगर जाएंगे कि नहीं जाएंगे, आमंत्रण पत्र आएगा? अच्छा, ये कांग्रेस के लोग कहना है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं कहना है कि यूपी में बीएसपी का साथ होना जरूरी है चुनाव जीतने के लिए सपा को, कांग्रेस को एकता का अभियान चल रहा है, विपक्षी गठबंधन जो भी आते हैं उनका स्वागत है, लेकिन अभी तक दूर दूर तक बीएसपी का कोई इस गठबंधन में आने वाले चर्चा नहीं है। हम तो चाहते हैं कि सभी विपक्षी पार्टियां एक जगह आ जाए, अच्छी बात होगी अगर वो भी आ जाए, लेकिन ऐसी संभावनाएं कम। राजभर ने कहा कि रसातल में समाजवादी पार्टी को भेज देंगे, इस पर आप क्या कहते हैं? आपके बारे में कहा कि आप भेज देंगे। अब ओम प्रकाश राजभर जी कहाँ हैं, वो अपना मूल्यांकन और आकलन करें। समाजवादी पार्टी की चिंता नहीं करें, समाजवादी पार्टी ने तो राजभर को बड़े पैमाने पर सीट भी दी, ज़्यादा विधायक भी जिता के दिए, उनके सम्मान में भी चार चांद लगाए। आज जिस तरीके से कुर्सी के लिए भूखे दर दर ठोकरे खा रहे हैं, रोज मोहनलाल के सपने देख करके मंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, हमारी तो चाहत जल्दी मंत्री बन जाए, उनकी अभिलाषा उनकी अंतिम इच्छा पूरी, लेकिन अभी वो पूरी दिखाई नहीं पड़ रही।